जब लोग बीमार होते हैं तो वे आमतौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद से दवाई लेते हैं या सबसे खराब स्थिति में एक तांत्रिक को बुलाते हैं। लेकिन जब हमारे नायक की बहन एक घातक और लाइलाज बीमारी से बीमार हो जाती है तो वह और आगे जाने का फैसला करती है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया। वह वास्तव में इजिप्ट जाती है, मरी मम्मी में से एक को दोबारा जिंदा करती है और उसे अपनी मरने वाली बहन का इलाज करने का आदेश देती है। योजना जोखिम भरी है लेकिन यही एकमात्र उम्मीद है। इसके बाद फिल्म कुछ दिनों पहले कट जाती है। पेरिस में चौपार नाम का एक आदमी दिन भर काम करने के बाद घर वापस जा रहा है। वह नशे में है, कहीं जगह न मिलने के कारण चौपार सबसे परंपरागत स्थान पर नेचर कॉल का जवाब देने का फैसला करता है, एक विशाल मूर्ति के ठीक सामने। लेकिन जैसे ही वह खत्म करने वाला था, पास से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जिससे वह डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद सीन फिजिक्स के एक एमिनेंट प्रोफेसर मैरी जोसेफ उर्फ जोस के घर में कट जाता है। उनके पास इस फील्ड में दशकों का अनुभव है और कई लोग मानते हैं कि वह जादू टोना भी कर सकते हैं। जोस को प्राचीन इजिप्ट का भी काफी ज्यादा ज्ञान है और इस समय वह टेलीपैथिक प्रयोगों में व्यस्त है। उसका मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन संभव है। इसके बाद हमें नेचुरल हिस्ट्री के नेशनल म्यूजियम में ले जाया जाता है, जहां टेरोसोरस का 136 मिलियन वर्ष पुराना एक विशाल अंडा रखा हुआ है। जोस पुराने अंडे से जीव को बाहर निकालने के लिए अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करता है और उसमें से एक विशाल पेट्रोसोर निकलता है। पता चलता है कि प्रोफेसर पक्षी की शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वह इसे कांच की छत से उड़ाते हैं। लेकिन जब वह कुछ ही सेकंड के लिए ध्यान खो देता है तो यह एक गुजरती कार से टकरा जाता है। इसका परिणाम एक घातक दुर्घटना में होता है जिससे सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। संयोग से चौपार घटना का गवाह है और पुलिस को इसकी सूचना देता है। रिपोर्ट में उसने विस्तार से बताया कि कैसे एक डायनासोर ने कार को नदी में गिरा दिया। जब आम लोगों को इस बात का पता चलता है तो वे सदमे में रह जाते हैं। उनमें से कई काम पर जाना भी बंद कर देते हैं इस डर से कि कहीं डायनासोर उन पर हमला न कर दे। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुलिस को मामले को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद हमारा परिचय आंद्रे ज़ाबोस्की से होता है, जो एक युवा व्यक्ति है जो अपना दिन एक बोटेनिकल गार्डन में डॉक्टर मेनार्ड के सहायक के रूप में काम करते हुए बिताता है। उसे पढ़ने का बहुत शौक है और वह साहसी लेखक एडल ब्लैंकसेक का प्रशंसक है। अपने खाली समय में वह उसे पत्र लिखता है, उम्मीद करता है कि वह उसका दिल जीत सकता है। लेकिन अपनी दृढ़ता के बावजूद एडल ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे आंद्रे का दिल टूट गया और वह निराश हो गया। वह वर्तमान में इजिप्ट में पेटमोसिस की मम्मी को प्राप्त करने के लिए एक लोकप्रिय विद्वान और इजिप्ट के फिरौन के सलाहकार रामेसिस टू के लिए एक एडवेंचर पर है। पूरा ऑपरेशन अवैध होने के बावजूद एडल दो लोकल इजिप्शियंस को काम पर रखती है और पेटमोसिस की कब्र में घुसने की कोशिश करती है। अपने तेज दिमाग के साथ वह प्रवेश द्वार को खोलती है जिसे एक दीवार से ब्लॉक किया गया था। कब्र में जाने के बाद दोनों व्यक्ति अपने असली रंग दिखाते हैं। पता चला कि वे चोर हैं जो कब्र में दबे गहनों के पीछे पड़े हैं। वे एडल को धमकी देते हैं और उसे दूर भेजने की कोशिश करते हैं, यह महसूस करने के बाद कि वे उसकी मदद के बिना उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। चोर सोना रखने के दौरान उसे मम्मी प्राप्त करने देने के लिए सहमत हो गए। थोड़ी देर के बाद वे ताबूत का पता लगाते हैं जो लाखों के खजाने से भरा होता है। जैसे ही वे इसे जेबों में डालना शुरू करते हैं, एडल भारी ताबूत को कब्र से बाहर ले जाने के लिए दूसरे रास्ते का पता लगाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से कुछ मकबरे के चोरी रोधी तंत्र को चोरी होने का पता लगता है और यह चोरों को गहने चोरी करने की कोशिश करने के लिए मार देता है। इस अचानक हुई घटना से एडल हैरान है, लेकिन इससे पहले कि वह ये भी समझ पाती कि क्या हुआ, डेयुवेल्ट नाम का एक प्रोफेसर पुलिस के साथ कब्र में घुस गया। ये साफ है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और डेयुवेल्ट पूछता है कि वह मम्मी के पीछे क्यों पड़ी है। दूसरा रास्ता न होने के कारण एडल ने आखिरकार खुलासा किया कि वह अपनी मरने वाली बहन को ठीक करने के लिए पेटमोसिस की मदद लेना चाहती है। हालांकि मम्मी मर चुकी है, लेकिन उसका मानना है कि इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है, जैसा कि प्रोफेसर जोस की किताब में बताया गया है। ये सुनकर डेयुवेल्ट को हंसी आ जाती है और वह अहंकार में उसे बताता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वह फिर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। पता चला कि वे बिना किसी मुकदमे के उन्हें खत्म करने की योजना बना रहे हैं। एडल को एक आखिरी इच्छा दी जाती है और वह इसका इस्तेमाल सिगरेट मांगने के लिए करती है। लेकिन जब उसे सिगरेट दी जाती है तो वह डेयुवेल्ट को मम्मी बनाने की मशीन में डाल देती है और कब्र में आग लगा देती है। फिर जल्दी से पेटमोसिस के ताबूत में कूद जाती है और उसे एक बड़े कुएं में धकेल देती है जो नीचे से एक नदी से जुड़ा होता है। इस बीच प्रोफेसर डेयुवेल्ट के गार्ड समय रहते ही उसे बचा लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में प्रोफेसर मेनार्ड ने टूटे हुए टेरोडेक्टाइल अंडे को नोटिस किया। अन्य स्टाफ सदस्यों का मानना है कि बाहर से आए किसी व्यक्ति ने अंडे और कांच की छत को तोड़ दिया। लेकिन थियरी गलत साबित हुई जब मेनार्ड ने नोटिस किया कि अंडे के गोले अभी भी एमनियोटिक झिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अंडे को अंदर से तोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि टेरोडेक्टाइल उसमें से उभरा और कांच को तोड़ता हुआ उड़ गया। जल्द ही इंस्पेक्टर कैपनी मामले की जांच करने के लिए आते हैं, लेकिन मेनार्ड अपने निष्कर्षों को छुपाते हैं और इसके बजाय उन्हें प्रोफेसर जोस से मिलने की सलाह देते हैं।
इस बीच जोस के घर पर वह विशाल टेरोडेक्टाइल को खिलाने में बिजी है, जब उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। वह हैरान है कि यह चालाक इंस्पेक्टर कैपनी है। घबराहट की स्थिति में जोस बचने की उम्मीद में मोटे पर्दे के पीछे विशाल पक्षी को छुपाता है। कैपनी ने खुद को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। जोस के पास अपने बिन बुलाए मेहमान का मनोरंजन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही वह इंस्पेक्टर को उबले हुए अंडे परोसता है, टेरोडेक्टाइल अचानक आक्रामक हो जाता है और उड़ने से पहले कैपनी पर हमला करता है। इससे इंस्पेक्टर डर जाता है और वह अपने आदमियों को प्रोफेसर को हिरासत में लेने का आदेश देता है। अगले सीन में एडल इजिप्ट से मम्मी को घर वापस लाती है। वह अपनी बीमार बहन के साथ रहती है जो बिस्तर पर पड़ी है। इसके बाद पता चला कि उसके सिर में एक लंबा हेयरपिन फंस जाने के बाद से वह ऐसी स्थिति में है। इस बीच एडल ने नोटिस किया कि आंद्रे ने उसे लाखों पत्र भेजे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वह उन्हें धूल चटाती है और अपने दिन के बारे में बताती है। उस दिन बाद में एडल अपने दरवाजे पर एक और पत्र गिराते हुए आंद्रे को देखती है। विनम्रता से उससे छुटकारा पाने के बाद उसने जोस की गिरफ्तारी और मौत की सजा के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट देखी। चिंता में परेशान वह उससे मिलने के लिए वकील के वेश में जेल जाती है। जोस ने उसे बताया कि उसके पास प्राणियों को दोबारा जिंदा करने की क्षमता है, जैसा कि टेरोडेक्टाइल द्वारा बताया गया था, लेकिन वह उसे बताता है कि जब तक वह कैद है तब तक वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। एडल अपनी बहन को बचाने के लिए बेताब है, जो उसके सिर में हेयरपिन से पीड़ित है। जोस से पेटमोसिस को जिंदा करने के लिए कहती है, जिसे वह मानती है कि वह इलाज कर सकता है, लेकिन जेल में होने के कारण जोस मदद करने में असमर्थ है। जैसे ही एडल योजना का पता लगाने की कोशिश करती है, दुर्भाग्य से उसके नकली रूप के बारे में पता चलता है और उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। वह एक बार फिर नए वेश में आती है, लेकिन नतीजा वही रहता है। कई परीक्षणों के बाद वह आखिरकार जोस की कोठरी में पहुंचती है और पता चलता है कि उसे जेल से बाहर कर दिया गया है और सुबह सुबह उसे मार दिया जाएगा। इसके साथ ही एडल इस बात को स्वीकार करती है कि वह जोस को खुद नहीं बचा सकती, इसलिए वह राष्ट्रपति की मदद लेने का फैसला करती है। ये पता चला है कि वह राष्ट्रपति को काफी समय से जानती है, क्योंकि वह सत्ता में आने के बाद उनका इंटरव्यू लेने वाली पहली रिपोर्टरों में से एक थी। एडल ने उन्हें स्थिति के बारे में बताया, जोस की वैज्ञानिक साख पर प्रकाश डाला और अगर उन्हें मार दिया गया तो फ्रांस के वैज्ञानिक समुदाय को नुकसान होगा। उसकी बात सुनने के बाद राष्ट्रपति ने मामले को देखने का वादा किया। वह फिर एक गेंद फेंकता है और अपने पालतू कुत्ते को इसे लाने का आदेश देता है, लेकिन पेट्रोसोर जो पास में होता है गलती से गेंद को अंडा समझ लेता है और राष्ट्रपति पर हमला कर देता है। एडल देखती है कि वह नीचे आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से हरकत में आ जाती है और उसे बचा लेती है। दुर्भाग्य से विशाल पक्षी पर किसी का ध्यान नहीं गया और वे मानते हैं कि एडल ने राष्ट्रपति पर हमला किया, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कैपनी टेरोडेक्टाइल को पकड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक पेशेवर शिकारी को काम पर रखता है। इसके बाद फिल्म मेनार्ड के बॉटनिकल गार्डन में जाती है, जहां आंद्रे उसे पेरोडोडेक्टाइल द्वारा बनाया गया घोंसला दिखाता है। इसके बाद ये पता चला कि पीछे आंगन में घोंसला बनाने के लिए विशाल पक्षी को चकमा देने के लिए आंद्रे ने डायनासोर के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। यह मेनार्ड के दिमाग को उड़ा देता है और इसलिए वह उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसकी सराहना करता है। पुलिस एडल को हिरासत से रिहा कर देती है और जब वह घर लौटती है तो वह अपने संकटों को भूलने के लिए नहाती है। नहाते समय वह आंद्रे के नए पत्र को पढ़ने का फैसला करती है। पता चलता है कि पक्षी मेनार्ड के बोटेनिकल गार्डन में रहता है। उम्मीद है कि यह उसे प्रोफेसर जोस के पास ले जाएगा। वह आंद्रे के पास जाती है, उसे एक किस देती है और फिर उसे पक्षी के पास ले जाने को कहती है। वहां पहुंचने के बाद एडल जल्दी से टेरोडेक्टाइल से दोस्ती कर लेती है और प्रोफेसर जोस को फांसी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। वे फिर बगीचे में लौट आते हैं, क्योंकि विशालकाय जानवर के लिए कहीं और सुरक्षित नहीं है। जोस को देखकर मेनार्ड सुखद रूप से खुश है, क्योंकि पता चला है कि दो प्रोफेसर बचपन के दोस्त हैं। दुर्भाग्य से दक्षिण अफ्रीकी भी वहां आता है और पेरोडोडेक्टाइल को शूट करता है। ये जानवर और जोस दोनों के लिए दर्द का कारण बनता है, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। मेनार्ड जल्दी से शिकारी से बंदूक छीन लेता है और उसे दूर भगा देता है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका होता है, इसलिए समय समाप्त होने के साथ एडल जल्दी से हरकत में आ जाती है। आंद्रे से पक्षी को सुरक्षित रखने के लिए कहती है, जबकि वह और प्रोफेसर जोस अपनी बीमार बहन की देखभाल करने के लिए अपने घर वापस जाते हैं। वहां प्रोफेसर अपने चारों ओर एंटीक चीजों का एक घेरा बना लेते हैं और अपना जादू दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह सफल होने जा रहा है, लेकिन आधे रास्ते में वह अचानक शक्ति खो देता है और मर जाता है। यह एडल को तबाह कर देता है और वह हार मान लेती है, लेकिन उसका दुख खत्म होता है, क्योंकि उसे जल्द ही पता चलता है कि जोस मरने से पहले पेटमोसिस को जिंदा कर चुका था। पता चलता है कि फिरौन के मेडिकल डॉक्टर को उसके ठीक बगल में दफनाया गया था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि दोनों के बीच टेनिस मैच के दौरान एडल की बहन घायल हो गई थी। खेल के दौरान एडल ने गलती से अपनी बहन के माथे पर गेंद मार दी और वह उसकी पीठ के बल गिर गई और उसका सिर उसके हेयरपिन पर आ गया। पूरी कहानी पेटमोसिस को भावुक कर देती है और वह उसकी मदद नहीं कर पाने पर खेद व्यक्त करता है, लेकिन वह बताता है कि जोस की टेलीपैथिक शक्ति ने 2 किलोमीटर के दायरे में सभी मरे लोगों को दोबारा जिंदा किया होगा।
इससे एडल को उम्मीद है और वह लोवर म्यूजियम में जाती है जहां रामेसिस टू और उसके नौकरों की मम्मी को प्रदर्शित किया गया है। वह अपनी बहन और पेटमोसिस को भी साथ ले जाती है। पेटमोसिस उन्हें म्यूजियम में घुसने में मदद करता है और जब वे लगभग पकड़े जाते हैं तो वह पहरेदारों को सुला देता है। अगले सीन में एडल मम्मियों का पता लगाती है और उन्हें गहरी नींद से जगाती है। पेटमोसिस तब फिरौन को उसकी बहन की हालत के बारे में बताता है और अनुरोध करता है कि वह उसके पर्सनल डॉक्टर को उसे ठीक करने की अनुमति दे, लेकिन ये सुनकर फिरौन को गुस्सा आता है क्योंकि वह सोचता है कि इस तरह के तुच्छ मामले के लिए उसे परेशान किया गया है। जब उसे ऐसा लगता है जैसे सारी आशा खो गई है तो एडल फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी गलतियों को बताना शुरू कर देती है जो वह पिछले 5 सालों से झेल रही है। वह बताती है कि जिस हेपिन ने उसकी बहन को विकलांग बना दिया है वह वास्तव में उसकी ओर से एक गिफ्ट था। ये सुनकर फिरौन को एडल के लिए बुरा महसूस होता है और नोसिबिस को उसकी बहन को ठीक करने की अनुमति देता है और कुछ ही सेकंड में उसके सिर से हेयर पिन हटाया जाता है। बाद में वह अंतड़ियों का उपयोग करके एक जादुई औषधि बनाता है और इसका उपयोग बहन के सिर के चारों ओर पट्टी लपेटने से पहले बहन के माथे पर छेद को कवर करने के लिए करता है। फिरौन फिर अपने दल के साथ जाने से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए लड़की को चूमता है। थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार जाग जाती है। एडल खुशी से गले मिलती है और खुशी के आंसू बहाती है, जबकि पेटमोसिस चुपचाप अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। कई हफ्ते बाद आंद्रे फिर से एडल के दरवाजे पर दिखाई देता है, लेकिन इस बार फूलों के साथ। लेकिन जब वह उसे वहां नहीं पाता है तो वह उन्हें उसकी बहन को दे देता है। यहां से उनके रोमांटिक रिश्ते को किक स्टार्ट मिलता है। इस बीच एडल को एक जहाज पर सवार देखा जाता है जो RMS टाइटैनिक होने का खुलासा करता है। फिल्म पहले दिखाई इविल प्रोफेसर पर खत्म होती है जो बुरे भाव से उसके सुखद यात्रा की कामना करता है।